हेलो दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साल 2023 शुरू हो चुका है। ग्रह और नक्षत्रों की दृष्टि से ये साल बेहद खास होने वाला है। ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव सभी राशियों के लोगों पर पड़ेगा। हालांकि ये निगेटिव प्रभाव राशियों पर कम या ज़्यादा हो सकता है। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। अंक ज्योतिष के मुताबिक साल 2023 का मूलांक 7 है। केतु ग्रह मूलांक 7 का स्वामी है। ऐसे में पूरे साल पर केतु का नकारात्मक प्रभाव रहेगा। इस प्रभाव के कारण साल भर कुछ अशुभ घटनाएं भी घट सकती हैं, इसलिए इन घटनाओं की अशुभता से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। साथ ही इन ज्योतिषीय उपायों को भी करना चाहिए। इन आसान उपायों को करने से इस पापी ग्रह के नकारात्मक असर से बचा जा सकता है। सबसे पहला, घर में सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए एवं केतु की बाधा को दूर करने के लिए कोयले के 8 टुकड़ों को लगातार 8 मंगलवार तक नदी में या बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। केतु के अशुभ प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए केतु बीज मंत्र का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कालिया नाग पर कृष्ण के नृत्य करती हुई तस्वीर के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद 2 रंग वाले कुत्ते को रोटी खिलाएं। केतु के नकारात्मक असर से स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। ऐसे में बाबा भैरवनाथ की पूजा करें और नियमित रूप से श्री भैरव चालीसा का पाठ करें। केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए भगवान गणपति की पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके सारे कष्ट कट जाएंगे। आमचूर, नींबू, सप्तधान्य शस्त्र, काला तिल, इन चीज़ों का दान करें। ऐसा दान करने से भी केतु के निगेटिव असर दूर होते हैं। ये सब करने से आपको केतु के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।